हे गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम एक कमाल के में बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक बेस्ट रेट फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब। बेस्ट रेट कौन सा है जिससे कि आप गवर्नमेंट जॉब जल्दी पा सकते हैं या प्राइवेट इंडस्ट्री में जा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहली बार आप चैनल पे आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात करेंगे हम गाइस कि पॉलिटेक्निक में कौन सा ऐसा ट्रेड है, कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसकी डिमांड इतनी हाई हो गई, जिस ट्रेड की डिमांड और वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सबसे पहले हम बता दें, अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है, सरकारी नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो कौन सा ऐसा ट्रेड चूज करें जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। दो ऐसे ट्रेड है जिसमें गवर्नमेंट जॉब सबसे ज्यादा निकलती है। पहला ट्रेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग। इन दो ट्रेडों में काफी गवर्नमेंट जॉब है। उसके अलावा फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ जाता है, मैकेनिकल की भी काफी गवर्नमेंट जॉब है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट इंडस्ट्री की, थोड़ा सा प्राइवेट इंडस्ट्री पे फोकस कर ले, फिर एक कंक्लूजन भी बात करेंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री की जब भी बात आती है ना, सबसे ज्यादा माइंडसेट में आप क्या था, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दो ऐसे ट्रेड है जिनकी सबसे ज्यादा जो जॉब है वो प्राइवेट इंडस्ट्री में, और पैसे भी सबसे ज्यादा है। आप 50,000 रुपए, 60,000, 1,00,000 रुपए महीना तक भी अर्न कर सकते हो यहां से ऑब्वियसली गाइस। तो है ना एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी आपके लिए, और आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए। उसके अलावा देखो, कंप्यूटर साइंस और आईटी हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन हाँ एवरेज है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। सेम प्राइवेट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को अगर आप लेकर जाओगे और वहां पे कंक्लूजन निकालोगे, तो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप एवरेज है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई है या बहुत कम है, नहीं के बराबर। उसके अलावा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बूम है प्राइवेट सेक्टर में, मतलब बूमिंग है, पावर है, बहुत पावरफुल ब्रांच है प्राइवेट इंडस्ट्री में जाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं जहां पे मैकेनिकल इंजीनियर की बहुत ज्यादा डिमांड है, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते गाइस, इतना डिमांड है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि आपको समझना पड़ेगा, जब तक आप समझोगे नहीं, आपके लिए बेस्ट ब्रांच वही है जिसमें आपका मन लग जाए कि नहीं यार ये ट्रेड से मैं पढ़ने के बाद तो बहुत कुछ कर दूंगा, ये ट्रेड तो मेरे लिए बहुत कुछ कमाल का धमाल का करने वाला है, तो वही ट्रेड लो। देखो कॉलेज अच्छा होना चाहिए, फिर ट्रेड जो है वो आपके मन मुताबिक होना चाहिए, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो, जिस ट्रेड में आपका मन लग जाए कि हाँ नहीं मेरे लिए यही ट्रेड बढ़िया है, उसी ट्रेड से आप प्रोसीड कर दो, चाहे आज कर रहे हो चाहे 10 साल बाद करोगे। इंटरेस्ट होना बहुत मैंडेटरी है गाइस, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कभी प्रोसीड नहीं कर पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इंटरेस्ट होना आपका बहुत जरूरी है, और किसी भी चीज में जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं होगे, तब तक शायद आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, सर लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सर लाइफ में वो चीजें अचीव नहीं कर पाओगे जो आपको अचीव करना चाहिए। तो इंटरेस्ट होना लाइफ में बहुत जरूरी है गाइस, और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। उसके अलावा देखो पॉलिटेक्निक की बेस्ट ब्रांच वही है जिसमें आपका मन लग जाए, जिसमें आपको लगे नहीं ये ट्रेड में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, कॉलेज पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। पता चला आपने मनपसंद ट्रेड तो ले लिया, लेकिन जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की उस कॉलेज में अच्छी फैकल्टी नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, जिसकी वजह से अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो कॉलेज भी चूज करने से पहले 10 बार सोचिएगा, उसके बाद फिर आप कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना, मैंने इन्फॉर्म कर दिया। वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।